मादक पदार्थों के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में वाराणसी की लंका भेलुपुर थाने की पुलिस के साथ नारकोटिक्स बाराबंकी और वाराणसी टीम ने कार्यवाही करते हुए बड़ी कामयाबी पाई है। टीम ने लंका क्षेत्र के हेरिटेज हॉस्पिटल के पास से मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया। अभियुक्तों के पास से K2.67 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान बाराबंकी के सुरेंद्र कुमार वर्मा और मूल रूप से बिहार का व मौजूदा समय में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में रहने वाला दीपक कुमार यादव के रूप में किया गया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया मॉर्फिन की कीमत करीब 2,60,00,000 रुपए आकी गई है। लंका थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में पकड़े गए मॉर्फिन को लेकर वाराणसी काशी जोन के DCP RS गौतम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाराबंकी के अभियुक्त सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति लंका क्षेत्र से किसी से मादक पदार्थ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुखबिर द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर टीम बनाकर अभियुक्तों का इंतजार किया गया। जब दोनों अभियुक्त एक साथ मिले तब मुखबिर के द्वारा इशारा कर पक्का किया गया कि यह दोनों वही हैं। ऐसे में पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए दोनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए जिसकी पहचान मॉर्फिन के रूप में हुई। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के संबंध में संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई संपादित की गई है, जिसमें हमारे एडिशनल DCP काशी और नारकोटिक टीम के श्री राजकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व व सुपरविजन में इस टीम ने दो अभियुक्तों को हेरिटेज अस्पताल थाना लंका के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 किलोग्राम 670 ग्राम मॉर्फिन बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों के नाम हैं सुरेंद्र कुमार वर्मा व दीपक कुमार यादव। सुरेंद्र कुमार वर्मा थाना सतरिक जनपद बाराबंकी का और दीपक कुमार यादव कैमूर बिहार का रहने वाला है। ये अपने प्रयोग के लिए बाराबंकी ले जा रहे थे और वहाँ से फिर ये छोटी छोटी पुड़िया में करके अपने शौक को पूर्ण करने के लिए इस व्यापार को संपादित कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके इनका PCR लिया जाएगा और इनसे गहनता से पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।